बिजनेस आइडिया तो सोच लिया, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या लाइसेंसेस लेने हैं, क्या लीगैलिटीज है, क्या फॉर्मेलिटीज है, हम कोई लॉ तो ना तोड़ दें। इनफैक्ट मेरी हर कंसल्टेशन में भी आप सब लोगों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि लीगल वे में क्या हम ठीक जा रहे हैं या देयर समथिंग जो मुझे करना जरूरी है। और ऐसी चीजों का बहुत सारे लोग फायदा भी उठाते हैं, आपको जबरदस्ती के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जिनकी शायद आपको अभी इस स्टेज पे जरूरत भी नहीं है। तो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन होती है और क्या क्या है बिल्कुल कंपल्सरी। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आपने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है तो ये वीडियो है आपके लिए। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स, माय नेम इज सिया और इस चैनल पे हम बात करते हैं बिजनेस और बिजनेस प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज की। तो अगर आपको एक स्पेसिफिक चीज चेक करनी है, मेक श्योर यू चेक द टाइम स्टैम्प्स, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आराम से बैठ कर अच्छे से बात करते हैं, चलो। तो आज के वीडियो में मैं आपको सारी की सारी रजिस्ट्रेशन के बारे में एक एक करके बताने वाली हूँ कि क्या कंपलसरी है क्या नहीं, इसलिए वीडियो पूरा ध्यान से देख लो एंड तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की रजिस्ट्रेशन की। तो मैंने जो नोटिस किया है ना, बहुत सारे लोग सजेस्ट करेंगे आपको कि आप प्राइवेट लिमिटेड करवा लो या फिर LLP करवा लो। लेकिन यूजुअली क्या होता है, जब हम बिल्कुल नए नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, तो चांसेस होते हैं कि हम अपना पूरा बिजनेस प्लान या इवन बिजनेस आइडिया ही चेंज कर दें। उसके साथ साथ आपको एकदम इनिशियली स्टार्टिंग में ना कोई भी जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड करवाने की। एज सच आपको इतने सारे एनुअल खर्चे हो जाएंगे, इतने सारे ऑडिट्स और सारे रूल्स रेगुलेशन, आपको जरूरत ही नहीं है। अभी जब आप नया नया बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस पे ज्यादा फोकस करो ना इंस्टेड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लीगैलिटीज। तो आपको बिल्कुल अलाउड है कि बिना एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए भी आप एज अ सोल प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ज्यादा लोग हो तो पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हो। इनफैक्ट पार्टनरशिप भी कई तरीके की होती है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तो इन चीजों पे मैंने डिटेल वीडियोस बनाए हैं, आप ये वीडियोस चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो और बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते अपने बिजनेस की तरफ, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एज अ सोल प्रोपराइटर ही काम स्टार्ट कर दो। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर आपकी कोई शॉप है या गोडाउन है जहां से भी आप सेलिंग कर रहे हो अपने गुड्स की, या फिर अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, तो अगर आप अपना बिजनेस नहीं भी रजिस्टर करवा रहे ना, तो भी आप इन चीजों को रजिस्टर करवा सकते हो। शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आप अपनी शॉप को रजिस्टर करवा सकते हो, फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर आप अपनी फैक्ट्री को रजिस्टर करवा सकते हो। तो ये आपकी लोकल म्युनिसिपैलिटी से ही हो जाएंगी रजिस्ट्रेशंस, एंड इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। और आपका जो सोल प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इन अ वे आपका बिजनेस हो जाएगा लीगल, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी बिल्कुल स्टार्टिंग में आप ये वाली, देखो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड भी करवाते हो ना, तो भी आपको शॉप या फैक्ट्री रजिस्टर करवानी ही करवानी है। तो इससे अच्छा आप ये वाली रजिस्ट्रेशन पहले करवा लो और बाद में जब जरूरत पड़े आप प्राइवेट लिमिटेड या बाकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो आपको जानना होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में, यानी MSME रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो अगेन ये वाली रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपका मन हो आप करवाओ, आपका मन नहीं है मत करवाओ। मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करनी है तो खुद जाकर करो बिना एक भी पैसा लगाए। मैंने डिटेल्ड वीडियो दिया है, और ऑल्दो ये कंपलसरी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप करवाओ। क्योंकि आजकल ना गवर्नमेंट MSMEs को, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को काफी ज्यादा बेनिफिट दे रही है। तो अगर आपको वो बेनिफिट चाहिए ना, तो अच्छा होता है कि आपने रजिस्टर करवाया हो। साथ में अगर आप एक सोल प्रोपराइटर की तरह काम कर रहे हो और मान लो आपकी शॉप या फैक्ट्री भी नहीं है, इन दैट केस अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाई होगी तो दैट विल सर्व एज अ लीगल डॉक्यूमेंट फॉर योर बिजनेस। बस आपको जाना है, अपनी डिटेल्स डालनी है और फटाफट हो जाएगी आपकी उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो चलो अब बात कर लेते हैं हम GST रजिस्ट्रेशन की। GST रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपका सर्विस बिजनेस है और आपका टर्नओवर, यानी साल का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जा रहा है, तो आपके लिए GST रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं बिल्कुल कंपलसरी। वैसे अगर आपका प्रोडक्ट्स का या गुड्स का बिजनेस है, उस केस में 40 लाख से ऊपर टर्नओवर जाने पे आपके लिए हो जाती है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जहाँ पे आपके लिए GST रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं कंपलसरी, जैसे कि ई-कॉमर्स बिजनेस। तो
पूरे के पूरे क्राइटेरियाज चेक करने के लिए और रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, इनफैक्ट आप ये भी खुद से कर सकते हो, उसके लिए भी आप मेरा ये डिटेल्ड वीडियो चेक कर लेना। जीएसटी के बारे में हर चीज बताई गई है, लेकिन अगर आप उस क्राइटेरिया में नहीं फॉलो करते हो, अभी आपके लिए जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो भी आप रजिस्टर करवा सकते हो, अगेन आप खुद रजिस्टर कर सकते हो, बट अगेन आपकी मर्जी है। अगर आपने जीएसटी में रजिस्टर किया है तो कल को आपको जीएसटी में टैक्स भी फाइल करना पड़ेगा, अप टू यू कम्प्लीटली, अगर आपके लिए कंपलसरी नहीं है तो। सो नेक्स्ट है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो एसेंशियली ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है, मतलब आप अपने कंपनी के नाम को या लोगों को ट्रेडमार्क करवा रहे हो ताकि कोई और इंसान आपकी कंपनी के नाम पे अपने प्रोडक्ट्स ना बेच सके या इनलीगली आपका लोगो ना यूज कर सके। तो ये चीज करवाना ऑब्वियसली बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। और जब आप बिल्कुल नया नया बिजनेस स्टार्ट करो ना, तो चांसेस भी बहुत कम होते हैं कि कोई भी आकर आपके बिजनेस को कॉपी करेगा। तो इसलिए बिल्कुल इनिशियल फेज में जब आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, आपका आइडिया नया नया है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चांसेस होते हैं कि आप कुछ चेंजेस फ्यूचर में करो, तो उस टाइम पे आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। लेकिन ये चीज जरूर याद रखना कि जैसे ही आपको थोड़ा टाइम हो जाए बिजनेस में, ऐसा लगे कि लोग आपको कॉपी कर सकते हैं या आपके नाम का गलत फायदा उठा सकते हैं ना, तब आपकी खुद की भलाई के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपको करवा लेना चाहिए। उस पे भी मेरा एक कंप्लीट वीडियो है, सारे के सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जरूर चेक कर लेना। लेकिन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। तो करंट अकाउंट, क्या आपके पास बिजनेस अकाउंट होना चाहिए? अगेन इसके कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सब लोग अपना एक करंट अकाउंट बनवा लो अपने बिजनेस के नाम पे, थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और आपके फाइनेंसेस में भी बहुत इजी रहता है आपके बिजनेस और पर्सनल एक्सपेंसेस को अलग अलग मैनेज करना। तो करंट अकाउंट बनवाना बड़ा ही आसान है, आपको क्या करना है, बस एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपने जो भी एड्रेस है ऑफिस का, उसका कोई भी एक यूटिलिटी बिल ले सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लो, और उसके साथ एक सीएसए सर्टिफिकेट बनवाना है। सीए थोड़ी सी फीस लेकर आपके लिए वो सर्टिफिकेट बनवा के दे देगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक चले जाना है और आप अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हो अपने बिजनेस के नाम पे। तो ये चीज आप सोल प्रोप्राइटर होकर भी कर सकते हो, अगेन इस चीज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। ये टैक्सेस, फाइलिंग, ये सब चीजों को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, इस केस में आपको वैसे ही टैक्स भरना है जैसे एक सैलरीड इंडिविजुअल भरता है, मतलब आपको अपना पर्सनल टैक्स भरना है। तो इसके लिए आपको कोई कंपनी का अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपने पैन नंबर, आधार नंबर, जो भी आपका आईटीआर पे ऑलरेडी लॉगिन है, वो यूज करके आप रिटर्न्स भर सकते हो। अब नॉर्मल टैक्स के अलावा आता है जीएसटी। तो अगर जीएसटी आप पे एप्लीकेबल है, आप पे लागू होगा, आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो, आपको भरना जरूरी है, तो अगेन वो भी आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी टर्नओवर लिमिट से नीचे हो, अगर आप जीएसटी नंबर ही नहीं ले रहे हो, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली वो टैक्स भरने की भी जरूरत नहीं है। अब करते हैं ऑडिट की बात। ऑडिट भी अगेन दो तरीके की होती है, टैक्स ऑडिट और जीएसटी ऑडिट। तो अगर आपका प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, प्रोडक्ट्स यानी कोई चीज जो टैंजेबल है, जिसका लेना देना कर रहे हो आप, उस केस में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है, अगेन हम टर्नओवर की बात कर रहे हैं, इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस आपके लिए टैक्स ऑडिट हो जाता है कंपलसरी। आप बिना रजिस्ट्रेशन करवाए भी एज सोल प्रोप्राइटर भी अपनी टैक्स ऑडिट्स करवा सकते हो। देन वैसे ही अगर आप सर्विस का बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपकी टर्नओवर लिमिट होती है सिर्फ 50 लाख रुपए, जिसके ऊपर आपका टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। वैसे ही जीएसटी ऑडिट के लिए टर्नओवर लिमिट है 2 करोड़ रुपए। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, अगर आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है, आप उस टर्नओवर के ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो, तो डोंट मिस आउट ऑन दैट। एंड अगर आप टैक्स ऑडिट के लिए एप्लीकेबल हो, तो आपको टीडीएस भी फाइल करना पड़ेगा, मतलब आप जब एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे हो, उसमें से टीडीएस काटना पड़ेगा एंड देन वो भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये सब प्रोसेसेस बढ़ जाती है जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता है। लेकिन अगर आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो अगेन आपको इन चीजों को सोचने की भी जरूरत नहीं है। इसके साथ मैं दो चीजें और मेंशन करना चाहूंगी टैक्स और ऑडिट्स के साथ ही, ईपीएफ और ईएसआई। ये क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अगर आपके अंडर, मतलब डायरेक्टली हायर किए हुए एम्प्लॉय जिनको आप पेरोल पे रख रहे हो, जिनसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे या एज अ फ्रीलांसर काम नहीं करवा रहे हो, वैसे वाले एम्प्लॉयज 10 या 10 से ज्यादा है, तो आपको ईएसआई के लिए रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। वैसे ही अगर आपकी एम्प्लॉय की गिनती 20 से ऊपर हो जाती है, तो आपको ईएसआई के साथ साथ ईपीएफ के लिए भी रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को स्टेट इंश्योरेंस और पीएफ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो।
तो अगर आपको फूड का बिजनेस करना है या फूड से रिलेटेड कुछ भी डिलीवरी कर रहे हो, रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी तरीके का खाना बना के बेच रहे हो, तो FSSAI का लाइसेंस आपको कंपलसरी है। वैसे अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो EIC कोड चाहिए होगा आपको, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा, अगर जहाँ पे भी आपको इंश्योर करना है कि सेफ्टी है फॉर ऑल द कस्टमर्स। देन उसके साथ साथ आपको लिकर लाइसेंस चाहिए हो सकता है अगर आप लिकर सर्व करते हो। फॉर फार्मास्यूटिकल बिजनेस यू नीड ड्रग लाइसेंस। अगर आपका रेस्टोरेंट है आपको ईटिंग हाउस लाइसेंस भी चाहिए होगा। अगर आपको अपने दुकान की, रेस्टोरेंट की जो भी चीज़ है उसकी मार्केटिंग करनी है तो बाहर आपको साइनेज लगाना है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होगा। तो अगर आप वो म्यूजिक प्ले कर रहे हो आपको उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे क्लियरेंसेस भी होते हैं, जैसे अगर आपकी प्रीमाइसेस में लिफ्ट है तो लिफ्ट क्लियरेंस, फायर सेफ्टी, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड बिजनेस है तो आपको RTO परमिट भी चाहिए होगी। अब आप मुझे प्लीज कमेंट्स में ये मत पूछना कि मेरा ये बिजनेस है इसके लिए क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए होंगे, वो रिसर्च आपको थोड़ी सी खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि MBA, मैं कोई लॉयर या CA नहीं हूं कि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में हर एक के बारे में डिटेल्स में बता दूं। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाते हो या फिर कंसल्टेशन लेते हो, इन दैट केस यू बिकम आर क्लाइंट, उस केस में हम आपको डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं किसी CA से एंड वी हेल्प यू विद ऑल द प्रोसेस। सो डायरेक्टली मैं आपको इस चीज़ पे कोई भी गाइडेंस नहीं दे पाऊंगी क्या क्या लाइसेंसेस आपके बिजनेस के लिए चाहिए होंगे, लेकिन मैंने मोटा मोटा ऑलमोस्ट हर कैटेगरी का आपको बता दिया है जो मेरी नॉलेज में है। इसके अलावा अगर आपको कोई और बिजनेस है प्लीज थोड़ी सी रिसर्च खुद से कर लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब लास्ट रजिस्ट्रेशन है आपकी स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। तो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल हो नहीं हो या उसे क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीक एक कंप्लीट वीडियो आने वाला है इस टॉपिक पे भी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा मैं उसको भी आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल कंपलसरी नहीं है तो आपको इस चीज़ के लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। एंड स्टे ट्यून्ड टू सिया वाइब्स।